जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीएम शैलेंद्र सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष को शपथ दिलाई। इस दौरान पंचायत भवन में भारी भीड़ देखने को मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बाद में जिले के सभी जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। सभी सदस्यों ने मंच पर पाँच पाँच के समूह में शपथ ली। मुरादाबाद जिला पंचायत बोर्ड में 39 सदस्य हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि वह अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगी और सबको साथ लेकर ही कार्य को करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आम जनता को कोई शिकायत का मौका मिले। वे अपने कार्य में सरकार द्वारा विभाग की ओर से जो भी नीतियां होंगी वे जन तक पहुंचाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह, व्यस्त विधायक रितेश गुप्ता और राजेश कुमार चुन्नू के अलावा दर्जा राज्य मंत्री गोपाल अंजान के अलावा ब्लॉक प्रमुख और अन्य राजनीतिक लोग रहे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, सेवानिर्मित अपर मुख्य अधिकारी हरिराज सिंह भी रहे। देखिए, निर्मितों से निर्वाचन हुआ है, सभी सदस्यों को साथ लेकर, सभी सदस्यों के साथ मिलकर हम अपनी प्राथमिकताएँ बनाएंगे, अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं 39 के 39 वार्डों में विकास कार्य सुरुचि रूप से शुरू हो जाए। अच्छा, किस तरह की चुनौतियाँ मानती हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, जब आप एक भोजन की थाली लगाते हैं तो थाली में तरह तरह के व्यंजन रखते हैं, थोड़ा अचार रखते हैं, थोड़ा पापड़ रखते हैं, थोड़ी सब्जी रखते हैं, थोड़ी दही रखते हैं। तो जिस प्रकार एक गृहिणी का मकसद होता है कि थाली में सब प्रकार का भोजन भी हो और स्वाद भी भरपूर रहे, उसी प्रकार से हमारा भी ये है उद्देश्य कि 39 के 39 सदस्यों को हम साथ भी रखें और कहीं ना कहीं सदस्यों का कोई मतभेद या मनमुटाव भी ना हो। अच्छा, इसके अलावा 2022 भी एक चुनौती रहेगा, कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा, किस तरह से उसे काम करें? चुनौती तो हर चुनाव होता है, बाकी 2022 में हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिल से स्वीकारा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार को उत्तर प्रदेश में ही नहीं बाकी विदेश तक में WHO ने और सबने बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी है। और अभी कल ही आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के वो भी कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ योगी जी जैसे सक्षम नेता होने चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 चुनौती नहीं बहुत आसान भाजपा के लिए। प्राथमिकता क्या रहेगी? अभी बताया कि शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए। देखिए, प्राथमिकता ये है कि जैसे मैं अपने वार्ड 21 में घूमी, अन्य वार्डों का भी मैंने यहाँ देखा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो सड़कों का निर्माण बहुत कम है। तो एक कल जैसे हमारे यहाँ मौर्य जी आए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम अब्दुल कलाम जी के नाम पर गौरव पथ रखेंगे जो हर स्कूल को जोड़े। तो सड़क जब स्कूल को जोड़ेगी तो शिक्षा की तरफ कदम जल्दी बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम शिक्षा की तरफ बात करते हैं तो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए स्कूल कॉलेज जाना आसान होता है। लड़कियां कॉलेज तभी जा पाती हैं जब कॉलेज उनके घर के कहीं ना कहीं करें। योगी जी के एंटी रोमियो स्क्वाड ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक काम किया है। एंटी रोमियो स्क्वाड से काफ़ी सारी बालिकाएँ निकल के शिक्षालयों में आ रही हैं, विद्यालयों में आ रही हैं, कॉलेजेस में आ पा रही हैं। तो यही हमारा भी उद्देश्य है कि हम जागरूक करें कि अगर लड़की पैदा हुई है तो उसे श्रम में न लगाकर उसके विकास के लिए हम शिक्षा के लिए।